हाँ पापा जी, आप रतनपुर पहुंच गए। ठीक है ठीक है, क्या ट्रेन आ जाएगी 7 बजे तक? ठीक है पापा जी, मैं आपको लेने आ जाऊंगा। ठीक है ठीक है। अरे नंदनी नंदनी, अरे उठो, पापा आने वाले हैं। पापा जी आने वाले हैं? हाँ रतनपुर तक पहुंच गए, वो अब आने वाले हैं। तुम कुछ अच्छा खाने के लिए उनके लिए बना देना। मैं ये उनको बचाना क्यों आ रहा है? इनको बता के आना चाहिए ना। अब क्या जानू मैं। ठीक है, अच्छा कुछ खाने के लिए बना देना, मैं उन्हें लेने के लिए जा रहा हूँ। हाँ ठीक है। ठीक है। हे भगवान जी, ये ससुर जी को भी अभी आना था। हाँ इनके चक्कर में ना मेरा पूरा दिन ही खराब जाता है। हाँ आते हैं और चार चार पांच पांच दिन रुक के जाते हैं। हाँ एक तो घर का सारा इतना सारा खाना भी खत्म करके जाते हैं, अच्छा अच्छा खाना बना के तो इतने खर्चे भी करवाते हैं। और सबसे बड़ी आफत तो मुझे साड़ी पहनना पड़ेगा, मैं जीन्स टॉप भी नहीं पहन पाती हूँ उनकी वजह से, अपनी पसंद से भी नहीं रह पाती हूँ। पता नहीं किस किस को लेके आएंगे इनके ससुर साहब। सास, भगवान मेरी सास को मत भेजना ससुर के साथ, नहीं तो वो तो मेरा आधा दिमाग चढ़ जाती है बातें कर करके। बहू ये करना सीखना, ये करना सीखना, क्या मैं बस उनकी नौकरानी हूँ क्या? नहीं भाई नहीं, मुझे नहीं रहना उनके साथ। क्या करूँ, अब इनका कहना तो मानना ही पड़ेगा। अब इनने खाना बनाने का कहा है तो कुछ देखती हूँ किचन में जाके। हे भगवान जी, आप इन्हें भी जल्दी से अपने पास बुला लो ताकि मुझे साड़ी तो ना पहनना पड़े। जब देखो तब यहाँ आटा पकने के यही जगह मिलती है क्या? इनके चक्कर में मुझे और साड़ी पहनना पड़ती है। अब इनके लिए 56 भोग बनाओ, तरह तरह के पकवान बनाओ, मैं तो तंग हो गई हूँ। हे भगवान, कैसे ससुर दे दिया आपने। हाँ चाहती हूँ अब काम करने, क्या करूँ। हे भगवान, ये ससुर बिना क्यों टपके आते हैं? इनके चक्कर में ना रोज की रोज हर कभी मेरी नींद और ख़राब हो जाती है। हाँ हम औरतों को तो इन मर्दों लोगों ने नौकरानी समझ के रखा हुआ है। हाँ जैसे कि हम इस घर की नौकरानी है, बस काम ही काम करते रहें। दिमाग ख़राब करके रख देते हैं मेरा। हाँ अभी ये ना होते तो आराम से उठती 10-11 बजे सो के, अच्छे जीन्स टॉप पहनती, जिम जाती, ना जिम जा पा रही ना पार्लर जा पा रही। हाँ पूरे दिन भर बस इन्हीं के आगे पीछे घूमते फिरो। ओ गॉड, हाँ खाना टाइम पर नहीं दो तो खाना टाइम पर क्यों नहीं बनाया? कितनी चिक चिक सुनना पड़ती है इन लोगों की, हम औरतों को। हे भगवान, इन ससुर को तो आप उठा लो जल्दी से। अरे अब किसका फोन आ रहा है? हेलो, खाना बन गया क्या? मैं क्या आपको कोई मशीन वशीन देखती हूँ क्या? हाँ जो बन गया 5 मिनट में खाना, टाइम लगता है अच्छा खाना बनाने में। पापा जी बस आने ही वाले हैं कुछ ही देर में, जल्दी खाना तैयार कर देना। अच्छा और पापा जी? मैं तो नहीं बना रही इनके लिए कोई अच्छा अच्छा खाना। हाँ 56 भोग चाहिए इनको, मैं तो नहीं बनाऊंगी खाना। मैं तो कोई घटिया सड़ा सा खाना बना के रख देती हूँ, इनको खाकर उल्टियाँ ही हो जाए। हाँ बेकार ही खाना बनाऊंगी, कुछ पकवान वकवान नहीं बनाने वाली मैं, ताकि ये आने से पहले ना 10 बार यहाँ पे आने से पहले 10 बार सोचे कैसा खाना खिलाया था बहू ने। बहुत बेकार खाना बनाकर दूंगी इनको। बुआ जी, अरे नैना तुम किसके साथ में आई हो? दादाजी के साथ। कहाँ है सब लोग? अरे कहाँ? अरे पापा जी आप अचानक? अरे चलो बहुत दूर से आए, वो लोग थक गए होंगे, चलो इनको खाना वगैरह लगा दो। अच्छा चलिए ठीक है, आप अंदर चलिए मैं आती हूँ। बेटा नैना तुम भी अंदर जाओ। गॉड, पापा जी आए मेरे। चलो नंदिनी, ओ नंदिनी, पापा जी भूखे हैं, जल्दी खाना लेकर आओ, बहुत दूर से आए वैसे भी, और बाबूजी थक गए होंगे आप तो। अरे पिताजी कोई तकलीफ तो नहीं हुई आने में? अरे बेटा तुम्हारे होते हुए क्या तकलीफ होगी, तुम ही तो आए थे मेरे को लेने। हाँ सही है। हे भगवान,
मुझे क्या पता था कि मेरे पापा आ रहे हैं। मैंने तो सोचा था कि इनके पापा आ रहे हैं, इसलिए मैंने खराब खाना बनाया था। हे भगवान, अगर ऐसा पता होता था कि मेरे पापा आ रहे हैं तो मैं इतना अच्छा अच्छा टेस्टी टेस्टी पकवान बनाती, मालपुआ, खीर पूड़ी, पकौड़ी बनाती। हाँ, ये रायता बना के रख दिया मैंने। हाँ, पिछले 10 दिन की छाछ डली हुई थी, फ्रिज में सड़ रही थी, उसी का रायता बना दिया। अब क्या करूँ नंदिनी? अरे खाना लाने में कितनी देर लग रही है? हाँ हाँ, ला रही हूँ, एक मिनट रुकिए आप, ला रही हूँ। क्या करूँ अब, यही दे देती हूँ, अब जो बनाया है सो बनाया है। अगर नहीं दूंगी अभी टाइम पे तो ये मेरे पे चिल्लाएंगे। हाँ, दे देती हूँ इनको। अरे बेटा कुछ काम कर रही होंगी वो, मैं रुको मैं बुलाता हूँ। नंदिनी, अरे नंदिनी जल्दी आओ, पापा जी को भूख लग रही है, बच्चों को भूख लग रही है। नहीं, कितना बेसुरा खाना है। ये लो बेटा, नैना खा लीजिए आप। लो खाइए पापा जी, खाना खाइए। अरे बेटा ये कैसा खाना बनाया है, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता क्या? इसमें तो कुछ भी स्वाद नहीं है। ये सारी गलती ना इनकी वजह से हुई है पापा जी। इन्होंने मुझे बताया नहीं कि मेरे पापा आ रहे हैं। इन्होंने तो मुझसे ये कहा था पापा जी आ रहे हैं। मैं तो ये समझी कि इनके पापा जी आ रहे हैं। बुआ जी मुझे नहीं खाना आपका ऐसा खाना कभी मत बनाना। मुझे बता तो देते एक बार कि ये मेरे पापा आ रहे हैं। हाँ, मैं तो यही सोच के बैठी थी कि आपके पापा जी आ रहे हैं, इसलिए मैंने वो 10 दिन का भूसा डाला था, वो मायूसी का रायता बना दिया। अरे नंदिनी ये क्या है, तुम क्यों नहीं बताया आपने कि मेरे पापा जी आ रहे हैं? हाँ, मैं तो यही समझ रही थी कि आपके पापा जी आ रहे हैं, मेरे ससुर जी आ रहे हैं। अरे तो उससे क्या है तुम्हें, पापा जी मेरे हो या तुम्हारे, ऐसा भेदभाव तुम्हें नहीं करना चाहिए ना। तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती, जाओ जाकर दूसरा खाना बना कर लाओ। देखना पापा जी, मैंने सही तो किया है। हाँ, मैंने इनके से पापा जी के साथ सोचा था कि इनके पापा जी आ रहे हैं, इसलिए बुरा खाना बना दूं। इनकी वजह से मुझे साड़ी और पहनना पड़ती है ससुर साहब के चक्कर में। मैं तो परेशान हो गई हूँ, इसलिए मैं चाह रही थी कि गंदा खाना बना दूं और ये हमेशा आना ही छोड़ दें। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। देख बेटा, तू मेरी बेटी है। देख बेटा, तू तेरे ससुर के साथ अच्छा व्यवहार करेगी तो वो तुझे बहू नहीं बेटी समझेंगे। देख बेटा, तू अपने ससुर को अपने पिताजी जैसा समझ। तू अगर उन्हें पिताजी समझेगी तो वो भी तुझे बेटी का मान सम्मान देंगे। मेरे पापा जी सही कह रहे हैं। हाँ, अगर मैं मेरे ससुर को भी एक पिता की तरह सम्मान दूंगी तो वो भी मुझे ना बहू नहीं बेटी समझेंगे। हाँ, ये तो कभी मैंने सोचा ही नहीं था। वो हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, हमारे लिए गाँव से अनाज लेके आते हैं, कितना सारा सामान लेके आते हैं, और मैं उनके साथ ऐसा व्यवहार करती थी। आगे से ना मैं कभी भी कोई व्यवहार नहीं करूंगी और अपने ससुर को भी अपने पिता की तरह रखूंगी। हाँ, हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों जैसा भेदभाव मैंने किया तो वैसा भेदभाव आपको कभी नहीं करना है। चाहे पापा हो, मम्मी, सास, ससुर या कोई भी हो, आपको कुछ भी मतलब भेदभाव नहीं करना है। अगर आपकी सास हो तो आपको अपनी सास को भी एक माँ की तरह प्यार देना है, क्योंकि बहू अगर अपनी सास को माँ का प्यार देगी तो उसे भी माँ का प्यार मिलेगा। तो जितना हो सके दोस्तों आप सबको बस प्यार प्यार दीजिएगा, क्योंकि नफरत इंसानों के बीच में नफरत ही पैदा करती है। तो आपको हमेशा प्यार देना है, अच्छा बन के रहना है। सो आई होप यू दोस्तों हमारा आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूले। सो दोस्तों निकल चुप। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।